तो गाइस यहाँ आप देख सकते हैं, इस पर मैं इसको इस तरह से लगाऊंगा। पहले मैं होल्स को मैच करूंगा। ये माउंट, ये मोटर माउंट जो है माउंटर, इसको तुम्हें होल पहले मैच करना होगा। इसको हाई मैच कर रहा है, यानी कि ये वायर इस तरफ से निकलेंगे, ठीक है, और हमें इस तरह से ही चाहिए। तो हम इसको पहले यहाँ रखेंगे, ओके, और फिर इसको हम फाइव क्विक से चिपका देंगे। क्यों चिपकाएंगे? वो इसलिए क्योंकि अभी इसमें होल करने वाले हैं हम कई सारे, तो हमें एक मेजर्ड मार्किंग हमें होनी चाहिए। तो ये चिपक गया है, तो ये मेजर्ड बिल्कुल मार्किंग है। अब मैं होल करके दिखा देता हूँ। तो गाइस आपको इस तरह की ड्रिल चाहिए इसके लिए, मैंने शायद आपको दिखाई नहीं थी, जिसमें आपको स्पीड रेगुलेटर मिल जाता है, लेफ़्ट राइट का ऑप्शन मिल जाता है रोटेट करने का, और जितनी चाहे उतना स्पीड स्लो में आप चला सकते हैं इसे। जैसे बहुत ही ज़्यादा स्लो चल रही है और आप हल्की सी और बढ़ाना चाहते हैं, देखो स्पीड बढ़ाना चाहते हैं, दबा दो, ठीक है ऐसे। और इससे आप डाइट कर सकते हैं इस बटन की वजह से। देखो ये छोटी ड्रिल चाहिए आपको 2 mm की। सबसे पहले इसको नीचे किया टाइट करने के लिए, इस पर इसको हाथ रख लिया, उंगली से पकड़ लिया और इसको चलने दिया, और फिर ये यहाँ होल्ड हो जाएगी, ठीक है। और इसे पकड़ के इसका टॉर्क भी यहाँ से सेट हो जाता है, देखो, ठीक है। टॉर्क जैसे बढ़ाता जाऊँगा वैसा ये बहुत स्ट्रांग हो जाएगी, ठीक है ना। तो 3 पे रखते हैं। अब ये देखो, इस 2 mm की ड्रिल से अंदाजे से इसमें 20 से ड्रिल करूँगा। और ध्यान रखना आपकी उंगली इसके जस्ट नीचे ना हो, नहीं तो घुस जाएगी, ठीक है ना। तो अब ऐसे ही इसमें भी कर लेना है, ठीक है ना, बिल्कुल सीधा सीधा। मैंने पतला किस लिए मैं बताता हूँ, पहले पतला इसलिए करा है क्योंकि पहले तो ये होल हो जाएगा तो एक गाइड मिल जाएगा, गाइड, और हमें एक पता चल जाएगा कि हमारा होल आउट तो नहीं हो गया, थोड़ा सा हिल तो नहीं गया है, ठीक है। जैसे कि इसमें देख सकते हो हल्का सा आउट हो गया है, इस तरफ चला गया है। तो हम इसे दूसरी बड़ी ड्रिल से चौड़ा कर सकते हैं उस साइड को, ठीक है। तो अब मैं आपको अब बीच वाला ड्रिल करके दिखाता हूँ कैसे करना है। पहले छोटी ड्रिल लेनी है, उससे अंदाजे से सेंटर में रखना है इसे, और फिर उंगलियों को पीछे रखना, पहले ये गाइड के लिए छोटा होल कर लिया जैसे देख सकते हैं आप, ठीक है ऐसे। अब मैं इसको चेंज करता हूँ, ये खुल गई। अब मैं इसमें सबसे बड़ी वाली ड्रिल लूँगा, ये वाली जो कि है 5 mm की, ओके। 5 mm के लिए मैं ट्रिक इसको डायरेक्शन वाले बटन को प्रेस करके ऐसे टाइट कर लेंगे। अब इस होल की में रखना आपको और मेक श्योर आपकी उंगली साइड में हो, ठीक है, बिल्कुल साइड में, ना कि बिल्कुल नीचे। तो गाइस ये होल हो चुका है। ये होल करना ज़रूरी है क्योंकि हमारी मोटर की जो शाफ्ट है थोड़ी सी नीचे से निकली हुई होती है, और वो जब यहाँ से टाइट हो जाएगी तो घूम नहीं पाएगी अच्छी तरह से, तो हमें ये करना पड़ता है। अब थोड़ा थोड़ा सा आउट करके इसको हम कर देंगे। ये थोड़ा छूट गया है तो हम फिर से फाइव से चिपका के होल कर देंगे। अब हम सब कंप्लीट होने के बाद दिखाएंगे आपको। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे हमने मोटर माउंट कर दिए, 4 पेच लगा दें और उल्टी मोटर को कनेक्ट कर दिया, ठीक है। और यहाँ देख सकते हैं एक और चीज़ कि मैंने यहाँ पे जो नॉर्मल मोटर जो होती है, जो ऑरेंज कलर की होती है, उसका मैंने मोटर माउंट को यूज़ किया है ताकि नीचे गैप मिल सके,
क्योंकि एक शाफ्ट के नीचे, एक मोटर के नीचे एक शाफ्ट होती है जो कि थोड़ा सा बाहर निकली होती है, जैसे ये निकली हुई है। देखो फोकस कर देता हूँ, हो नहीं रहा, ठीक है, हल्की हल्की दिख रही होगी ये शाफ्ट। ठीक है, इस तरह से हमने चारों पे कस दिया ये। और पहले हमने आर्म को छोटा रखा था, आर्म को हमने छोटा इसलिए रखा था, हमारा प्लानिंग थी खाली उंगली हम ड्रोन बनाएंगे एक छोटा सा। फिर उसके बाद हमने सोचा कि ड्रोन बना ही रहे तो इसके साथ हम वीटॉल भी बना सकते हैं। मेरे पास एक नया आइडिया आया था, तो फिर मैंने क्या करा कि मैंने अब आर्म को बड़ा कर दिया, मोटर को हैवी लगा दिया ताकि हमारे वीटॉल जो प्लेन होगा ना उसको भी उठा पाए। तो देख सकते हो बड़ा कर दिया और चार मोटर लगा दिए इस तरीके से। मोटर है हमारी फ्लाई कैट की 360 KV, ठीक है, और ESC हम यूज़ कर रहे हैं 30-40 mm की, और 4 cell और 5 cell 6 cell लगा सकते हैं। ये कुछ प्रोपेलर है ऑरेंज के। अब हम इसके बाद हम उसमें पावर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड लगाने वाले हैं। पावर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के लिए हमने ये वायर मंगा रखा है, ये देख सकते हैं हम लोग, ये सिलिकॉन कोटेड वायर है ब्लैक एंड रेड, जो कि हमने बीच से निकाल दिया है, और इसी तरह से आपको भी निकालना होगा जब बनाओगे। तो इसको हमें अभी ये पतला है देख सकते हैं आप, और हमारी मोटर का मैं दिखाता हूँ ESC का जो वायर है वो भी सेम दिखेगा आपको, ये देख सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हम चार ESC और चार मोटर लगाने वाले हैं, तो ज़्यादा करंट ड्रॉप होगा तो ये जो वायर है जो हीट करेगा क्योंकि जो पतला है एक ESC के हिसाब से, तो इसमें हम डबल लगाने वाले हैं अब। ओके, और नेक्स्ट प्रोग्रेस सब दिखाएंगे अभी।